वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक वरिष्ठ नेता वीवी बत्रा साहब जुड़ चुके हैं। नमस्कार वीवी बत्रा जी। वीवी बत्रा जी नमस्कार, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। वीवी बत्रा जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार पर निशाना साधा, बीजेपी की तरफ से आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश होती है, कई बार आप उनको घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर भी बयानबाजी होती है। कुमारी सैलजा कह रहे हैं कि जो घोषणाएं इस वक्त की जा रही हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से, वो कांग्रेस की घोषणाएं नहीं है। कोई घोषणा कर रहा है, कोई टिकट पक्की कर रहा है, मैनिफेस्टो भी बनेगा, और आपने कहा कि सारी घोषणाएं पूरी होंगी, तो ये समझ में नहीं आ रहा जनता को कि आपस में ये नाइतफाकी क्यों है नेताओं के बीच। ऐसे है कि नाइतफाकी नहीं है नासिर जी, जी कांग्रेस एकजुट है, ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं है। पर बात असली ये है कि आप देखो कि हमने ओपीएस की बात की, ओपीएस का के बारे में कंसेंट राहुल गांधी जी की भी है, और ओपीएस में छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटका ने प्रॉमिस किया और उन्होंने लागू की, राजस्थान ने लागू की। 500 रुपए सिलेंडर की बात है, वो राजस्थान ने लागू कर दिया। इस तरह हमने बात यह कि अभी मैनिफेस्टो नहीं बना है, मैनिफेस्टो तो जब इलेक्शन नजदीक आता है, पर उससे पहले जो पार्टीज की पॉलिसीज होते हैं, पॉलिसी के अनाउंसमेंट होती है, वो लोगों तक पहुंचाने जरूरी होती है। वो 15 दिन में हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते किसी हालत में, इसीलिए इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है कि ये एक 200-300 यूनिट तक सभी और सरकारें दे रही हैं, जहां पर इलेक्शन है वहां भी अनाउंस हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी ये सब ओपीएस दे दिया गया, तो ये कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है ऐसी घोषणाएं। ये बात तो आपकी सही है कि एक वक्त चाहिए होता है ताकि हर एक इंसान तक पूरे प्रदेश में आपकी बात पहुंच जाए, तो इसका मतलब ये भी अभी बत्रा साहब की पार्टी के दूसरे नेताओं को, कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हो या दूसरे और भी नेता हो, उनको भी इन घोषणाओं को जनता तक पहुंचाना चाहिए, आप ये भी कह रहे हैं? बिल्कुल हाँ, दे शुड नॉट टेक अदरवाइज, दे आर रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ द पार्टी, एक वरिष्ठ नेतागण है, पर इसमें इन घोषणाओं में ऐसी बात नहीं है। चौधरी विनोद सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल, उनको सारी इकॉनमी और उस टाइम ही वॉज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, अगर 3,000 से 6,000 की उन्होंने अनाउंसमेंट की है तो कोई ना कोई मैथमेटिक्स उन्होंने कैलकुलेट किया होगा नासिर जी, तभी तो उन्होंने 6,000 की घोषणा की है, जब 3,000 तो ये सरकार इस समय दे ही रही है, हमने साइफन आउट करने। लेकिन वीवी बत्रा जी आज क्या हुआ कि जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो वो थोड़ा सा हल्के से गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि पार्टी का एक सिस्टम होता है, पार्टी की गरिमा होती है, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। कुमारी सैलजा जी ये कह रही थी ऐसे है कि पार्टी के अध्यक्ष उदय बान जी हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबरिया जी हैं, पार्टी ने सीएलपी का एक मेन जो प्रोजेक्ट है या जो हमारा है वो विपक्ष आपके समक्ष, और विपक्ष आपके समक्ष ने कांग्रेस के हक में काफी कुछ एक लहर छोड़ी है और जनमिलन की भी लहर छोड़ी है। लोगों में नहीं घुसेंगे, लोगों में नहीं जाएंगे तो पार्टी का काम कैसे होगा, पार्टी लोगों को जोड़ेंगे कैसे? और ये कहना बिल्कुल गलत है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई टिकट डिक्लेयर की है, बता दें किसी का नाम कहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट डिक्लेयर की, ऐसे वो बात नहीं बनेगी, सभी को साथ में मिलने के चलना चाहिए। मैंने कहा है कि पार्टियां बराबर नहीं होती, पर वो जब मुट्ठी की शेप में आती हैं तो वो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो टिकट जो डिक्लेयर की बात है तो, लेकिन किरण चौधरी जरूर कर चुकी हैं टिकट डिक्लेयर अभिमानी महेंद्रगढ़ की, तो आप ये भी कह रहे हैं कि वो भी गलत? उनका उनका प्रेरोगेटिव है, उन्होंने डिक्लेयर कर दी, हुड्डा साहब ने जवाब दे दिया कि पार्टी फैसला करेगी, हर एक टिकट के बारे में फैसला करेगी, अल्टीमेटली जब मुख्यमंत्री का बात भी आएगी तब भी पार्टी फैसला करेगी, पर एक कंसेंसस और लोगों का मूड देखने की बात भी जरूर होती है उस बात के लिए। लेकिन आज आपने एक घोषणा जरूर की है वीवी बत्रा जी कि मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कहा है कि भी ये जो असल में ये जो पत्र आपते हैं ना, ये छोटी छोटी क्लिपों को मिसगाइड की और उसको बात की करते हैं, मेरी ऐसी बात नहीं हुई है, बात ये उन्होंने घोषणाएं की हैं, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और लोग जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगला चीफ मिनिस्टर चाहते हैं और वो चाह भी रहे हैं, उनके इस बात में कोई दो राय। मतलब आप भी कह रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे? नहीं नहीं, आप अपने मुंह नहीं, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा सर, आपकी बात है पूरी। नहीं, ये लोग चाहते हैं, जिस हिसाब से जनसैलाब होता है, जिस हिसाब से जलसों में भीड़ होती है, इस बात का
प्रतीक है इस बात के लिए, लड़ाई बीजेपी से लड़नी है, आपस में नहीं। आपने पत्रकारों के और सवाल ना, आपने दो लाइन में अपनी बात खत्म कर दी थी दिन में। नहीं, मैंने दो लाइन में बात यही खत्म की थी कि यही कहा था कि जो घोषणाएं हो रही हैं उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है, जो पार्टी अध्यक्ष के कंसल्टेशन से सबसे, उसमें कोई किसी को उम्मीदवार पार्टी का बनाना, उसमें सभी उम्मीदवार हो सकते हैं, हमें क्या बुराई। अच्छा अभी बत्रा जी, आजकल एक और चर्चा चल रही है SRK की, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, एक ये धड़ा और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा सा परिवार बड़ा होता है तो थोड़ा सा आपस में होता ही है, पर जो है कोई छोटे छोटा कोई मतभेद हो सकता है, पर पार्टी के हक में, पार्टी के इंटरेस्ट में सभी का एक मत है कि कौन सत्ता में। बहुत शुक्रिया विभत्रा जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। विभत्रा साहब कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि सारी घोषणाएं पूरी होंगी और जनता ये चाहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। उनका जो दिन में बयान था वो बयान आपको हम सुनाते हैं, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि किस तरह से घोषणाएं पूरी होंगी और आपकी पार्टी के कुछ नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस विधायक विभत्रा ने क्या कुछ कहा था वो आप सुनिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अनाउंसमेंट होनी है वो लागू होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अनाउंसमेंट होनी है वो लागू होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अनाउंसमेंट होनी है वो लागू होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अनाउंसमेंट होनी है।